दोस्तों, आज एक ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर की बात होगी जिनके बारे में ज़्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है, यहाँ तक कि इनकी कोई फ़ोटोग्राफ भी अवेलेबल नहीं है। इनका नाम था मनोहर अरोड़ा, जो फिल्मों में सिर्फ मनोहर नाम से संगीत दिया करते थे। ये एक पंजाबी फिल्मों के म्यूज़िक डायरेक्टर थे जो 1940s में बॉम्बे आ गए थे और इन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों में संगीत दिया। इनकी कुछ फिल्में थीं 1948 में आई फिल्म रईस, 1950 में आई फिल्म जोश और 1950 में ही आई फिल्म रंगीले मुसाफिर, 1952 की फिल्म भूले भटके और 1952 की ही फिल्म उषा किरण, 1955 में आई फिल्म चिंगारी के लिए इनको याद किया जाता है, जिसमें लता मंगेशकर ने इनके गाने गाए थे और नलिनी जयवंत जो अभिनेत्री थी उन्होंने इस फिल्म में काम किया था। 1967 तक इन्होंने फिल्मों में म्यूज़िक दिया है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ऐसे भूले बिछड़े फनकारों के बारे में जानकारी जुटाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए आप लोगों से यही गुजारिश है कि चैनल को कम से कम सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।